बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी परेशानियाँ दूर करे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जो बहन भाई इस मुल्क में है, इस मुल्क से बाहर, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, उनकी मुश्किलात आसान करे, खुशियाँ नसीब करे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो जो बहन भाई मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। तो आप जो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा साथ देंगे तो चैनल का मेरा जो है मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो आज जो है मेरी बच्चियों को बहुत शौक है ना खाने पीने का। इनके अब्बू बीमार हैं, 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो पहले तो हम ज़्यादा बाहर जाते थे, अब तो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। अब हम घर के आना जाना, फिर इनके अब्बू की टेंशन, तो बाहर आना जाना, अब तो घर ये है ना हॉस्पिटल लेके जाना, फिर परेशानी हो जाती है। तो ये अब ज़्यादा जो इनको खाने पीने का बहुत शौक है, ये तो घर मंगा लेती है। आज इन्होंने ये देखे बर्गर मंगाए हैं, खोले नहीं है, और चिप्स भी बनाई है। आलू जो है सुबह से काट के रखे हुए हैं, थोड़ा आलू जो है वो चिप्स काली हो गई, चिप्स काली हो गई है। आलू गर्मी है ना, असल में गर्मियाँ नहीं, काम चोरी है, काम चोरी ज़्यादा। आप क्या करें, गर्मियों में हर चीज़ काली हो जाती है, तो ये बंदे भी काले हो जाते हैं, काले हो गए। आज ये बर्गर ले आइए, बहुत शौक है खाने पीने का। कैसे होंगे साहब उसके साथ? ये देखिए इधर दो बर्गर के साथ, 7-8 कैसे होने चाहिए। जिन बहन भाई को बर्गर पसंद है तो वो मंगवा के खा ले, वो मंगवा के खा ले। मुझे तो खैर ज़्यादा पसंद नहीं है, बच्चियों को ज़्यादा शौक है बर्गर का। अम्मी देखे, अब ये देखें शुरू करें ना, बस अभी ना शुरू करें, चलने की हुई है शुरू करें, रिकॉर्डिंग ना डालें अभी, इन्हें डालें थोड़ी सी डालते हैं। और आज आपको एक हम देसी टोटका बताते हैं फेस के लिए, बस चलें शुरू करें खाएँ। क्या आपने नहीं खाना? मैं बस थोड़ा सा, थोड़ा सा बस, मतलब कि पूरा बर्गर खाएँगी? थोड़ी सी मतलब कि 2 गिलास बोतलें पी, बोतल पी, थोड़ी सी मतलब कि 1 प्लेट चिप्स खाएंगे। काली खाएं। काली है तो ना खाओ, मुझे भी दे दो कोल्ड ड्रिंक। गरम गरम खा ले, नहीं पी खा रही है बच्चियाँ, बच्चियों को बहुत शौक है ना खाने पीने का। इन्हें फिश खाने का भी बहुत शौक था, वहाँ हम जाते थे दरिया पे, तो जब से अबू बीमार हुए हैं तो कहीं नहीं जा, थोड़ी टेंशन है ना, परेशानी हो जाती है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला इनके अबू को सेहत दे, तो फिर इंशाल्लाह जी घूमने फिरने जाएंगी बच्चियां। थोड़ी और तो दो, थोड़ी सी और दे दो, 3 साल हो गए कराची भी नहीं गए, वहां भी घूमने जाते हैं इंशाल्लाह, कराची जाएंगे और खाएं मम्मा, कराची नहीं पसंद, इंशाल्लाह लाहौर भी जाएंगे और कराची भी जाएंगे। आप जितने बहन भाई हैं दुआ करें इनके अबू की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो परेशानी की वजह से फिर ये बच्चियाँ ले आती हैं, शौक है बस, और मैंने नहीं खाना, चिप्स ला के आओ शाम से जाओ, ये ले लो। यकीन आज सब बहन भाइयों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा इंशाल्लाह रोज़ाना बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम लाएंगे अब आपके लिए शॉर्ट एंड ज़बरदस्त वीडियो, तो हमारी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें, इंशाल्लाह आप रोज़ाना अपलोड करेंगे। तो आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो लाया करूँगा आपके लिए। तो क्या बात है, अच्छी अच्छी आपके लिए कुछ अलग और ज़बरदस्त चीज़ें आपको दिखाया करूँगी, तो मेरी जो वीडियो है देखना ना भूलें। क्या बात है, हाँ पता तो चले। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे काम करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज़।